जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार जीके जीएस भाई प्रबल सर में। मैं प्रसून आज आप लोगों का एक बार फिर से आपके इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक चल रही होगी। तो आइएगा हम सभी लोग एक बार मिलके आज कुछ साइंस के प्रश्नों को देखेंगे और उससे बहुत कुछ सीखने को भी आपको मिलेगा। आप सभी लोग एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जितने भी साथी जुड़ेंगे उन सबको कुछ ना कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। तो आप सभी लोगों का वेलकम है आपके अपने प्यारे से परिवार में। चलेगा तो सब लोग बेहतर तरीके से एक बार क्लास को शेयर जरूर कर देंगे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ तक गए थे, 232 तक गए थे ना। तो चलिए वहां से हम लोग आज के क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे और देखने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों को कितना ज्यादा क्वेश्चन पे कमांड अभी तक हो पाया है। तो आप सभी लोगों को बात करें तो मैंने कल आपको ये होमवर्क दिया था और आप सभी लोगों ने आंसर भी किया है, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आप सभी साथियों का। तो चलिएगा हम लोग आज के क्वेश्चन को देखते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। यहाँ पे अगर बात किया जाए, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका क्या होना चाहिए बताइए। एमीटर की बात करते हैं या अमीटर जिसको बोला जाता है, उसका संबंध किससे होता है, तो धारा से होता है। ये तो कितने बार हम लोगों ने पढ़ लिया। अगर हम लोग हाइग्रोमीटर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर का संबंध किससे होता है, आपके सापेक्ष आर्द्रता से होता है। जब हम लोग बैरोमीटर की बात करते हैं तो इसका कहीं ना कहीं आपके किससे, आपके दाब से संबंधित होता है। और स्प्रिंग तुला की बात करें तो ये आपके वेट से संबंधित होता है। इस तरीके से देखा जाए तो मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर क्या था, बी था, आप सभी लोगों को पता होगा। चलिए जल्दी जल्दी आज फटाफट, आप लोगों का टेस्ट है तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा आंसर करने में पार्टिसिपेट कीजिएगा, अच्छा लगेगा चीजों को करिएगा। तो रडार उपयोग में आता है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं को पता लगाने में, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति को ज्ञात करने में, अगर आपसे किसी ने पूछा, या वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। तो आप सभी को पता है रडार के बारे में, आप सभी लोग जानते हैं किसकी बात करते हैं, रडार के बारे में अगर आपसे किसी ने पूछा तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रेडियो डिटेक्टिव एंड रेंजिंग की बात करते हैं, रेडियो डिटेक्शन बोल दीजिएगा, एंड रेंजिंग की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो क्या होगा, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में किसका प्रयोग किया जाता है, रडार का प्रयोग किया जाता है। इसको आप सभी साथी याद रखेंगे। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 234 की बात करें, क्या बोला है कि समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार समान। तो देखिए समस्थानिक के बारे में आपको मैंने पढ़ाया था, समस्थानिक किसको बोलेंगे, जिसकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या की बात करें तो उसका डिफरेंट हो, तो वहां पे हम लोग समस्थानिक की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको हाइड्रोजन के भी बारे में बताया था कि इसके आपके 3 समस्थानिक होंगे, 1H1 की बात करते हैं, अगर बात करें 1S2 की बात करें, 1S3 की बात करते हैं, ये सारे आपके क्या है, हाइड्रोजन के समस्थानिक। जैसे हमने किसकी बात की, क्लोरीन की बात की, तो क्लोरीन अगर बात करें 1735 की बात करें, क्लोरीन आपके किसके 1737 की बात करते हैं। जैसे हमने किसकी बात की, ऑक्सीजन की भी बात की। जैसे आप सभी लोग बहुत सारे एग्जाम्पल के तौर पर इसके ले सकते हैं, जिसके परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग अलग हो। तो देखो इसमें परमाणु भार भिन्न भिन्न एंड परमाणु क्रमांक क्या होता है, समान होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी साथी, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 235 की बात करते हैं। आप सभी लोग इससे मिलाइए और बताइए कि आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप सभी को पता होगा कि इम्पल्स की बात करते हैं आवेग, और याद करो कि आवेग के साथ ही साथ मैंने आपको एक पढ़ाया था जिसको क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। किसकी बात करते हैं, संवेग। और संवेग क्या है, आप सभी को पता है कि यह एक आपकी क्या है, सदिश राशि है। साथ ही साथ संवेग की बात करें तो इसको क्या कहा जाता है, P=m×v, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी। और मास की बात करें क्या हो जाएगा, kg, और वेलोसिटी की बात करें तो मीटर पर सेकेंड की बात करें। ये आपका संवेग का SI यूनिट होता है, और SI यूनिट संवेग और आवेग दोनों का क्या होता है, सेम होता है, आप सभी को पता होगा। जब वर्कडन की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। और यहीं पे वर्कडन की अगर CGS यूनिट के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो आपका क्या हो जाता है, अर्घ हो जाता है, ये आप सबको पता होगा। अगर बल की बात करें तो क्या हो जाएगा भाई साहब, न्यूटन की बात करते हैं।
और आप सभी लोगों को पता है कि बल इक्वल टू क्या होता है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन। आपको कितने बार पता चल गया होगा, केजी और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल लीजिए, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, न्यूटन की बात करें, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो बताइए एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन का क्या हो जाता है, तो आप सभी को पता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की बात करते हैं, तो आप लगा लीजिए। आवेग की बात करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, इसके बारे में अगर बात किया जाए तो मीटर पर सेकेंड ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बी की बात करें, बल की बात करें तो न्यूटन, सी की बात करें तो आपका 1 हो जाएगा, और डी की बात करें तो आपका क्या होगा, 2 हो जाएगा। अब थोड़ा सा आप चिंतित हो जाएंगे कि सर ये न्यूटन सेकेंड दिया, मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, न्यूटन सेकेंड दिया है, न्यूटन का मतलब क्या है जरा करना इसको, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और पहले से यहाँ पे एक सेकेंड है, एक सेकेंड से एक सेकेंड कट जाएगा तो क्या बचेगा, केजी मीटर पर सेकेंड नहीं बचेगा। और यही क्या होता है, इंपल्स की बात करें, किसकी बात करते हैं भाई साहब, इंपल्स की बात करें या आपके मोमेंटम की बात करते हैं, किसकी बात करें, मोमेंटम की बात करें, दोनों का सेम यूनिट होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। देन आपका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़िए भाई साहब, क्या बोल रहा है कि सेल्सियस और फारेनहाइट थर्मामीटर में दोनों के ताप का प्रेक्षण समान होता है, जबकि ताप के मान की बात करें तो कितना होता है, यानी कि बोल रहा है कि सेल्सियस पैमाने की बात करें या फारेनहाइट की बात करते हैं, इसको आप लोग अच्छे तरीके से थोड़ा सा समझिएगा, मैं क्या बता रहा हूँ इसको आप लोग समझिएगा। इसका एक फॉर्मेशन होता है सी बाई 100 इक्वल टू एफ माइनस 32 बटा कितना 180, और ये आपका क्या होता है आर बाई 80 की बात करते हैं। अगर बात करते हैं सेल्सियस और फारेनहाइट की, तो देखिए सी बाई 100 की बात करें इक्वल टू एफ माइनस 32 बाई कितना 180 की बात करते हैं, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये 20 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, और ये 20 से कितने बार में जाएगा, 9 बार में, यानी कि 9c इक्वल टू क्या होता है 5 इंटू एफ माइनस 32 की बात करते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए सेल्सियस की बात करें और फारेनहाइट दोनों की बात करें तो यहाँ पे ये एक्स इसको मान लेते हैं, यानी कि 9x की बात करें इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस 32 की बात करते हैं, यानी कि जब आप इसको सॉल्व करोगे 9x इक्वल टू 5x माइनस 32 पर जो कितना हो जाएगा 160 की बात करते हैं, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू माइनस 160 की बात करते हैं, और x की वैल्यू की बात करें तो माइनस 160 बटा 4 की बात करते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा माइनस 40 की बात करें, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा माइनस 40 की बात करते हैं, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। यानी कि आप सभी लोगों को ये फॉर्मेशन जो है, ये आपके फॉर्मेशन की बात करते हैं, ये फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बार नहीं कम से कम 50 बार मैंने आपको बता दिया कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग होता है। मेरे प्यारे साथियों, मैंने क्या बोला था कि फोटोग्राफी की बात करते हैं तो फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्सैलिक एसिड के बारे में आपको बताया था। तो देखिए, तो ऑक्सैलिक एसिड आपको दिख रहा है, तो बोलेंगे जी सर। फॉर्मिक एसिड की बात करें तो रेड एंट की बात करें या नेटल के पौधे की बात करते हैं तो उसमें आपकी बात करते हैं, उसका जो चुभता है उसमें कहीं ना कहीं फॉर्मिक एसिड की मौजूदगी होती है। और फॉर्मिक एसिड की बात करें तो इसका फॉर्मेशन आप सभी को पता है, HC डबल बॉन्ड OOH की बात करते हैं, यानी कि HC डबल OH की बात करते हैं, इसी को फॉर्मिक एसिड, और इसका IUPAC नाम जब आप लिखोगे तो इसी को मेथेनोइक एसिड के नाम से जाना जाता है। और आपको पता है कि नींबू और नारंगी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक एसिड की बात करते हैं। एसिटिक एसिड की बात करें तो ये आपको किसमें देखने को मिलता है, सिरका की बात करें। और आप सभी को पता होगा कि 5 से 8% जब एसिटिक एसिड हो जाता है, क्या हो जाता है, एसिटिक अम्ल हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई साहब, सिरका कहते हैं। क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं। और सिरका की बात करते हैं, इसके बारे में याद रखिएगा, इसके आपके अप्रोक्सीमेटली 3.2 के अप्रोक्सीमेट इसका पीएच वैल्यू बताया जाता है। और इसी एसिटिक एसिड की बात करें तो इसका फॉर्मेशन क्या होगा, CH3COOH की बात करते हैं, जिसको अगर IUPAC नेम इसका लिखे तो इसको क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड के तौर पे इसको जाना जाता है, जो कि आपके ये कौन से ग्रुप का है, तो कार्बोजाइलिक एसिड ग्रुप का ये समूह है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए पल्लवी तोमर जी, आपका बहुत स्वागत, वेलकम है। यानी कि इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें, फोटोग्राफी में कौन सा आपका अम्ल प्रयोग किया जाता है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑक्सैलिक अम्ल की बात करते हैं,
इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रख लेना। चलो रे भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछे प्राकृतिक बहुलक का मतलब क्या होता है, जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं से कहीं ना कहीं हमको प्राप्त होता है, तो उसको प्राकृतिक बहुलक के रूप में देखा जाता है। तो आपके ऊन की बात करें तो ये आपका प्राकृतिक बहुलक है, सिल्क की बात करें और लेदर। ये जब मैं आपको बढ़ा रहा था बहुलक, उस समय आपको बताया था कि बहुलक के कौन कौन से प्रकार होते हैं, जिसमें आपके संश्लेषित बहुलक के बारे में बताया था, प्राकृतिक बहुलक के बारे में बताया था और अर्ध संश्लेषित बहुलक के बारे में भी बताया था। पता नहीं आप लोग पढ़ने के समय कहाँ रहते हैं, ये मुझे भी पता नहीं है। लेकिन नाइलॉन की बात करते हैं तो इसमें कार्बनिक यौगिकों की बात करते हैं, उससे युक्त कहीं ना कहीं या उसका सहयोग से ये आपका बहुलक का निर्माण किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, नाइलॉन बोलते हैं। तो ये आपका प्राकृतिक बहुलक नहीं है, ये आपका एक कृत्रिम बहुलक के तौर पे इसको देखा जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा ना कि एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाए तो फिर तुम बता देना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पढ़िए इस क्वेश्चन का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनो। बोला कि कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है और यह उपयोग योग्य नहीं रहता है। अगर आप लोगों से पूछे तो आप लोग बताइए कि मेरे से बेहतर जल की कठोरता के बारे में किसने पढ़ाया होगा तुमको, कोई नहीं पढ़ाया होगा। लेकिन आप लोग मेरी बातों को तो सीरियस लेते नहीं। तो जल की कठोरता का कारण क्या होता है कि जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम की बात करते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो घुलनशील लवण होते हैं क्या होते हैं जल में, अगर बात करें कठोरता के कारण की बात करें तो जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण की बात करें और इसमें इसके बाइकार्बोनेटों की बात करते हैं, इसके सल्फेटों की बात करें और इसके क्लोराइडों की बात करें, इसके चलते कहीं ना कहीं आपके जल में कठोरता उत्पन्न होती है। और जल की कठोरता के चलते क्या होता है कि इसमें साबुन जो होता है, कठोर जल की बात करते हैं तो उसमें आसानी से झाग उत्पन्न नहीं कर पाता है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो यानी कि कैल्शियम सल्फेट की बात करें, इसमें उपस्थित जल को कठोर बना देता है और उपयोग योग्य नहीं रहता है, बिल्कुल सही बात है। हीरा की बात करें, तांबे और लोहे से कठोर है। अगर हीरा की बात करते हैं तो ये तांबे और लोहे से क्या है, कठोर है, ये बिल्कुल बात है, ये सबसे कठोर है। हीरा की बात करें तो क्या है, ये सबसे कठोर पदार्थ के तौर पे देखा जाता है और कार्बन का शुद्धतम अपरूप के तौर पे भी हीरा को देखा जाता है और इसी हीरे का अपवर्तनांक 2.42 के अप्रोक्सीमेट होता है। और साथ ही साथ हीरा की बात करते हैं तो हीरा जो होता है इसका चमकना कहीं ना कहीं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के तरफ इसका इशारा करता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, जिसको हिंदी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को कहा जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन की बात करें तो वायु के प्रमुख घटक के तौर पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करते हैं, जिसमें अगर बात किया जाए तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, 78% और इसकी बात करें ऑक्सीजन की तो 20.95। यानी कि अगर बात करते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है यहाँ पे बोल रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। वायु का मुख्य घटक कौन होगा भाई साहब, तो प्रमुख की बात करें तो नाइट्रोजन होना चाहिए। नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होता है, बिल्कुल नहीं। अगर आपसे बोला जाए, जब भी आपसे बोला जाए वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की घटना की बात करें तो उसमें आपको पता होगा कि एक प्रोसेस के थ्रू चला जाता है, जिस प्रोसेस को क्या कहा जाता है आप सभी मेरे प्यारे साथी जानते होंगे, हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया की बात करते हैं, जिसमें वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए एक कैटलिस्ट का यूज किया जाता है। और कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक की बात करें, और वो उत्प्रेरक कौन होता है जिसका नाम क्या है, निकेल की बात करते हैं। और उत्प्रेरक का काम क्या होता है, आपको मैंने कितना बार बता दिया कि उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कर उसके अभिक्रिया का जो दर होता है उसको क्या करता है, बदल देता है। और बाद में जब आपकी अभिक्रिया समाप्त हो जाती है तो वह प्रभाव से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें निकेल कैटलिस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ये वही बच्चा बना पाएगा ना जिसके पास कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि ये पीसीएस का क्वेश्चन है बाबू, आसान क्वेश्चन ही आपको फंसा देगा थोड़ा सा अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो। इसलिए मैं बोलता हूँ अच्छे से पढ़ लो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पे ये रहा, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व की बात करें। तो सभी जैव यौगिकों की बात करें तो इसमें बिना कुछ सोचे समझे क्या लगा देना है, कार्बन।
क्योंकि मेरे प्यारे साथियों कार्बन के चलते ही एक केमिस्ट्री का अलग डिपार्टमेंट बन गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आज अभी बात किया जाए तो हमारे आसपास के परिवेश में जितने भी आपके दवाइयां दिख रही हैं, जो हम लोग डेली यूज में आप लोग कोई ना कोई औषधि का प्रयोग कर रहे हैं, किसी ना किसी एंटीसेप्टिक का प्रयोग कर रहे हैं, क्रीम का प्रयोग कर रहे हैं, तो उन सब में कहीं ना कहीं कार्बनिक यौगिकों की कहीं ना कहीं उपलब्धता या उसके योगदान को नकारा नहीं जा सकता है, इसको याद रखिएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं। और कार्बन के बारे में आपको ये भी पता होगा कि कार्बन के पास कुछ स्पेशल गुण होता है और उसी स्पेशल गुण के चलते ये डिजर्व करता है कि इसको एक अलग डिपार्टमेंट में रख के पढ़ा जाए, इसको एक अलग पार्ट में रख के पढ़ा जाए। और कार्बन से संबंधित बेसिक्स नॉलेज की बात करें तो आपको इसमें जीवन शक्ति के सिद्धांत के बारे में बताया गया, जिसमें कि उसने बार्जिलियस ने बोला कि सभी अगर बात करते हैं, अगर कार्बन की बात करते हैं, कार्बनिक यौगिकों की बात करते हैं, तो ये आपके सजीव स्रोतों से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। लेकिन फिर बाद में कौन आया, बोहलर आया, बोहलर ने क्या किया, यूरिया की बात करते हैं, यूरिया का संश्लेषण प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किया और वही आपका क्या हो गया, प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक के तौर पर देखा गया। फिर आपके बर्थोले की बात करते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट आए और बहुत सारे लोगों ने अपना रिसर्च किया, आगे की तरफ बढ़ते गए और आज तो कार्बनिक यौगिकों का इतना वाइड रेंज है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। कार्बन के पास कुछ विशेष गुण भी होता है। पहला गुण क्या है कि कार्बन के पास कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है, यानी कि इसके पास श्रृंखलन गुण की क्षमता होती है, यानी कि लंबी से लंबी चेन का फॉर्मेशन आपका कर सकता है। कार्बन के पास क्या होता है तो टेट्रावेलेंसी नेचर होता है, यानी कि चतुसंयोजकता का गुण भी होता है। कार्बन की बात करते हैं तो ये आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, इसकी घटना भी इसमें आपको देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो इसमें आपको तो कार्बन से रिलेटेड आपके कार्बनिक यौगिकों की बात करते हैं, उसको अलग अलग श्रेणी में रख के हम लोग इसको समझ पाते हैं, ये बहुत सारा चीज इसमें आ जाएगा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 241 पढ़िए भाई साहब। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। अगर आपसे किसी ने पूछ दिया, मैंने पढ़ा, मार के भाई साहब थोबरा बिगाड़ दूंगा अगर ये सब क्वेश्चन गलत हो गया तो, भाई साहब देख, क्योंकि मैंने आपके लिए ना बहुत मेहनत किया, मैंने बहुत थ्योरी पढ़ाया, अगर फिर भी आपसे ये सब गलत हो जाए तो समझिए कि आप नाइंसाफी कर रहे हैं। अगर पीतल की बात करते हैं तो क्या ये तांबा और जस्ते की मिश्र धातु है, अगर आपसे किसी ने पूछा तो बोलेंगे जी सर मैं बताऊं, बोले बता दे बाबू है। तो पीतल की बात करें तो तांबा कितना परसेंट, 70%, जास्ता कितना परसेंट, जास्ता यानी कि जिंक 30%, तो 70-30 का हिसाब हो गया, खेला खत्म। अगर बोले कि मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है, उसको बुलाना, आराम से अकेले में बुलाना और दो थप्पड़ लगाना, बोला कि ये कब से हो गया भाई साहब है। मैग्नेटाइट की बात करें, हेमेटाइट की बात करते हैं, ये सारे जो है आपके किसके, लोहा के अयस्क है, ये किसके हैं, लोहा के अयस्क। तो सर जी ऑप्शन नंबर 2 तो ऐसे ही उड़ गया सर है। पारदीत सम्मिश्रण वे पदार्थ होते हैं जिनमें पारा अनिवार्य सम्मिलित होता है, बिल्कुल भाई साहब, जिसको अमलगम कहा जाता है, अमलगम में पारा की मौजूदगी अनिवार्य होती है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। अब पारा एक तापमापी के रूप में भी काम करता है, कहीं कहीं तापमापी के रूप में, तो ये जो अल्कोहल पीते हैं, नशा शराब में होती तो नाचती बोतल है, यानी कि अगर बात करें अल्कोहल का भी प्रयोग कहीं कहीं ठंडे देशों में इसका किया जाता है तापमापी के रूप में, इसको याद रखिएगा। फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला अनिवार्य रसायन है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लोग क्या बोलेंगे, बुलाना उसको, बोलना कि इधर सुन कहां पर क्या है भाई साहब, तुमने सिल्वर ब्रोमाइड का नाम सुना है क्या, बोले यस सर। सिल्वर ब्रोमाइड कहने का मतलब क्या है, AgBr, और एक बार नहीं, कोई भी बोल देगा कि नहीं पढ़ाए हो तो फिर बताऊंगा मैं, कम से कम 5 बार पढ़ाया होगा थ्योरी की क्लास में, और ऐसे तो क्वेश्चन में कितना बार डिस्कस किए होंगे। तो फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट, सर जी ना पोटेशियम नाइट्रेट का यहाँ पे कहाँ से जिक्र आ गया सर जी, ये तो बारूद वरूद में यूज होगा सर। तो अगर बात किया जाए AgBr की बात करें, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड की बात करते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, सिल्वर ब्रोमाइड की बात करते हैं, इसका प्रयोग आपके फोटोग्राफी में किया जाता है, तो कौन कौन सा ही बताओ, 1-3-4, 1-3-4, 1-3-4, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऐसे फेंको आंसर तब जाके मजा आएगा, नहीं तो जिंदगी भर पढ़ के मर जाओगे, कुछ नहीं होने का है, ये तरीका अपनाओ जिंदगी में सफल हो जाओ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखो रे भाई साहब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं, गिंगर की बात करें, अदरक, केसर की बात करें, अफीम की बात करते हैं, और आपके फ्लैक्स की बात करते हैं, तो इसका ये क्वेश्चन का लग रहा है कि आधा अधूरा है क्या, एक बार देखना आप लोग,
इसमें से अगर बात किया जाए, ये आपका क्वेश्चन थोड़ा सा हमको लग रहा है ये गलत हो गया है, इसको आप लोग हटा दीजिएगा क्योंकि ये पूरा प्रिंट हो नहीं पाया है, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा हटा दीजिएगा, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन को पढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 243 की बात करते हैं, पढ़िए। बोला है कि रुधिर कणिकाओं के संबंध में अगर बात किया जाए, रुधिर कणिकाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो भाई साहब जब भी तुम रक्त के बारे में पढ़े हो तो मेरे प्यारे साथियों रक्त का पीएच वैल्यू याद कर लेना, ना तो कोई पूछ देगा। रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है जल्दी बोलना, 7.4 होता है। और रक्त की बात करें तो उसको कैसे कैसे डिवाइड किया गया है, सजीव प्लाज्मा और एक तरफ रुधिर कणिकाणु की बात करते हैं, यानी कि किसकी बात करते हैं, आपके ब्लड कार्पसल्स की बात करते हैं। तो प्लाज्मा कितना परसेंट हिस्सा ले गया, 55%, बचा कितना 45, तो 45% रुधिर कणिकाणु को दे दो। और इसमें आपका कौन कौन आएगा, WBC, इसमें कौन कौन आएगा, RBC, इसी में कौन आएगा, प्लेटलेट। अब मार झगड़ा होगा, फैटा फैटी होगा, पूरा देह धराम धुरुम, लेकिन अगर बात किया जाए तो आरबीसी इसमें सबसे ज्यादा अमाउंट रखेगा, किसका, आपके ब्लड कार्पसल्स की बात करते हैं, इसको याद रखिएगा। यानी कि टोटल की बात करते हैं तीनों को मिला के आरबीसी WBC और प्लेटलेट्स का 80-90% भाग वही रख लेता है, कौन, आरबीसी। और आरबीसी की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक वर्णक की बात करें, हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, और हीमोग्लोबिन के बारे में तुमको क्या बताया था, तो हीम यानी कि आयरन की बात करते हैं, ग्लोबिन यानी कि प्रोटीन की बात करते हैं, दोनों की मौजूदगी होता है। और हीमोग्लोबिन के चलते रक्त की बात करते हैं तो उसका रंग क्या हो गया, लाल हो गया, लाल हो गया भाई साहब। और साथ ही साथ आपकी बात करें WBC की, तो ये क्या करता है, आपके जो आपकी प्रतिरोध क्षमता है, आपकी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसको बनाए रखता है भाई साहब, मजबूत रखता है, इसीलिए इसको वीर सिपाही या वीर सैनिक के नाम से भी जाना जाता है। तो पढ़िए, रुधिर कणिकाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है, इसमें लाल इसमें लोहा होता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, या कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, या रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो चारों सही है, ये तो चारों सही है इस तरीके से, क्योंकि इसमें स्पेशली आपके क्या बोलते हैं आरबीसी WBC पूछता तब यहाँ पे हम लोग बता सकते थे, लेकिन जनरली पूछा है तो इसके चारों के चारों स्टेटमेंट क्या है, सही है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए बाबूजी अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि GSLV BD2 जो कि जो हाल में कक्ष में प्रक्षेपित किया गया है, यानी कि GSLV D2 लॉन्च्ड रिसेंटली इनटू ऑर्बिट्स इजर, यह क्या है, क्या यह एक प्रकार का डिफेंस सैटेलाइट है, ना सर जी एकदम गलती जवाब, क्या यह एक प्रकार का आपका एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट है, ना सर जी बिल्कुल गलत जवाब, क्या ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ना सर जी बिल्कुल गलत जवाब, यातायात उपग्रह, ना सर जी बिल्कुल गलत जवाब। अब लो भाई साहब, अब आया मामला, अब बोलेंगे तो चारों का चारों ऑप्शन गलत, तो सही कौन भाई साहब, तो बोलेंगे कि सर जी यह एक प्रकार का प्रक्षेपण यान है, क्या है, यह एक प्रकार का प्रक्षेपण यान है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, कौन, यानी कि उपग्रह प्रक्षेपण यान है, जिसका नाम क्या है, GSLV D2 की बात करते हैं, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है जी। और इसको कब प्रक्षेपित किया गया भाई साहब, तो कहां से किया जाएगा भाई साहब, तो श्रीहरिकोटा चलिए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में चलिए। और कब इसकी लॉन्चिंग की बात करते हैं, इससे संबंधित डेटा की बात करें तो 8 मई 2003 की बात करते हैं। तो यह एक प्रकार का क्या है भाई साहब, यह एक प्रकार का उपग्रह प्रक्षेपण यान है, क्या है भाई साहब, उपग्रह प्रक्षेपण यान की बात करते हैं। और इसकी बात करते हैं इसको कब प्रक्षेपित किया गया, 8 मई 2003 की बात करते हैं, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और कहां से भाई साहब, तो श्रीहरिकोटा, कहां पे भाई साहब, श्रीहरिकोटा, मत चल जाना कोटा, नाम क्या है, श्रीहरिकोटा। और क्या नाम है उसका, तो सतीश धवन, किसकी बात करते हैं भाई साहब, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की बात करते हैं, किसकी बात करें, अंतरिक्ष केंद्र की बात करते हैं, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, इसकी बात करते हैं, इससे ये क्या है, संबंधित है। चलो रे भाई साहब अगले क्वेश्चन की तरफ आओ और उड़ाओ, और उड़ा के जल्दी से बताओ, भारत द्वारा स्कॉर्पियन नामक अत्याधुनिक पनडुब्बी का देश में ही संयुक्त उत्पादन हेतु समझौता किया गया है, यानी कि भारत की बात करें तो भारत ने ये किसके साथ संबंध किया है भाई साहब, तो आप लोगों की जानकारी बताऊं तो एक प्रोजेक्ट चला था उस समय की बात करें, ये क्वेश्चन पुराना है लेकिन अभी भी पूछा जा सकता है,
प्रोजेक्ट 75 के तहत अगर बात करते हैं तो ये आपके स्कॉर्पियन नामक अत्याधुनिक पनडुब्बी का देश में ही संयुक्त उत्पादन की बात करें तो भारत ने कहां से भाई साहब फ्रांस से बोला कि भाई साहब दोस्ती करोगे जी करेंगे तो चलो ना एक समझौता करते हैं थोड़ा सा कुछ पनडुब्बी अंडुब्बी हमको भी दो ना भाई साहब तुम्हारे पास तो अत्याधुनिक सुविधाएं बहुत ज्यादा है तो थोड़ा सा इधर भी दो भारत तुम्हारा हित राष्ट्र है भाई साहब। तो फ्रांस ने बोला अरे यार कैसी बात करते हो यार ये तो नॉर्मल बात है कोई नहीं। तो एक प्रोजेक्ट बना जिसको प्रोजेक्ट 75 कहा गया उसके तहत अगर बात किया जाए तो 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों को के उत्पादन की बात करते हैं फ्रांस के सहयोग से भारत में ही होने की बात कही गई। तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फ्रांस की बात करते हैं इसको याद रखेगा। सर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आंसर कैसे देंगे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आंसर मत देना आपको खुद क्वेश्चन खुद आपको क्या मिल जाएगा नंबर मिल जाएगा। चलो रे भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंद्र क्या है इंद्र के बारे में अगर बात किया जाए तो इंद्र क्या आपका मिसाइल है क्या अनमैन्ड एरियल व्हीकल है या चालक रहित विमान है क्या रडार है क्या टैंक है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इंद्र क्या है भाई साहब तो क्या बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए क्या है भाई साहब इंद्र के बारे में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे। बिल्कुल हो रहा है आपका कमेंट शो हो रहा है बताइए क्या समस्या आ रही है आपको समस्या बताया जाए गुरुदेव ठीक है तो बताइए ये क्या है भाई साहब। इंद्र की बात करते हैं तो इंद्र एक प्रकार का आपका क्या है रडार की बात करते हैं इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। रेडियो डिटेक्शन आपकी बात करते हैं एंड रेंजिंग की बात करते हैं इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा तो इंद्र की बात करते हैं तो इंद्र आपका क्या है रडार की बात करते हैं इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई साहब क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए कि आपका क्या हो जाएगा। बोल रहा है कि टाटा ऊर्जा अनुसंधान आपके संस्थान की बात करें नई दिल्ली द्वारा स्वतंत्रता के बाद से देश के पर्यावरण के अवक्रमण का प्रलेखन तथा आगामी आपके 50 वर्षों में इसके नियमन हेतु युक्ति पूर्वक विकास हेतु परियोजना क्या कहलाती है और ये परियोजना कब तक चलेगी भाई साहब। ये परियोजना 2074 तक चलने की बात की जा रही है शायद जहां तक मेरी जानकारी है। तो टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा स्वतंत्रता के बाद से देश के पर्यावरण के अवक्रमण का प्रलेखन तथा आगामी 50 वर्षों में इसके नियमन हेतु युक्ति पूर्वक विकास हेतु परियोजना क्या कहलाती है तो इस विकास का नाम क्या है ग्रीन इंडिया 2047 की बात करते हैं इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। एकदम नया नया क्वेश्चन जो कि कहीं घूम जाओगे ना इस यूट्यूब के पूरे फील्ड में पहले तो किसी को मतलब हिम्मत ही नहीं होगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन तुमको कराए क्योंकि उसको खुद डर लगेगा कि हो सकता है कि मैं भी इसमें क्यों ना फंस जाऊं। लेकिन यहाँ फंसने वसने का डर नहीं है भाई साहब जो है खुली किताब अगर फंस गया तो आगे निकलेगा कल। गाड़ी फंस जाती है तो ऐसा थोड़े है कि निकलती नहीं है निकलती है आराम से निकलती है प्यार से भी निकलती है कोई दिक्कत की बात नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते अगला क्वेश्चन पढ़िए क्वेश्चन नंबर 248 पढ़िए और बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से पढ़िए और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए बोल रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें एवं कूट से सही उत्तर का चयन करें क्या बोल रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है हैं बिल्कुल बात सही है भाई साहब मानव क्रियाएं पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण है ये भी सही बात है लेकिन अगर पूरी तरीके से ये समझा जाए कि ये इसको सही तरीके से मतलब जस्टिफाई कर रहा है तो ऐसा मामला सही नहीं होगा यानी कि अगर बात करें तो दोनों तो सही है लेकिन आर जो है ये एक का सही स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 249 की बात करते हैं अम्ल वर्षा होती है तो ये तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर देखते बता देना चाहिए वर्षा के जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के कारण ये तो गया भाई साहब ये भी गया भाई साहब। अगला बोले कि बादल के जल और सल्फर डाइऑक्साइड के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप तो इसके बारे में तो इतना बार बता दिया हूं कि फिर बताने की जरूरत मुझे नहीं लग रही है तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन अम्ल वृष्टि का कारण है तो अम्ल वृष्टि यानी कि अम्लीय वर्षा की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं इसको आप लोग अच्छे तरीके से
याद रखिएगा। कौन हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे? सर्वाधिक आपके जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है? तो ये आपके कहाँ पे? साइलेंट वैली। और ये शांत घाटी आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? आपको पता है शांत घाटी ये आपका केरल में है। किसकी बात करते हैं? शांत घाटी कहाँ पे? केरल में। फूलों की घाटी कहाँ पे है भाई साहब? तो उत्तराखंड में। और फूलों की घाटी की बात करें तो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में भी शामिल किया गया है, याद रखिएगा। सुरमा घाटी की बात करें तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में है, और आपके कश्मीर घाटी की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो सुरमा घाटी हिमाचल प्रदेश, फूलों की घाटी उत्तराखंड, साइलेंट वैली की बात करें तो आपके केरल, और आपकी कश्मीर घाटी की बात करें तो आपको पता ही है, अच्छे तरीके से पता है। अगला क्वेश्चन देखिए। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, किसके द्वारा लाया जाता है? तो आपकी बात करते हैं, सोनार की बात करते हैं तो ये नेविगेटर्स की बात करते हैं, नौ संचालकों द्वारा ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है, आप सभी को पता है। और इसी के बारे में बात किया जाए तो आपको नॉटिकल मील की बात करते हैं, ये भी आपको दूरी मापने की ही इकाई है। और नॉटिकल मील से संबंधित अगर बात किया जाए तो एक नॉटिकल मील जो होता है वह आपके 1852 मीटर के इक्वल होता है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और सोनार की बात करें तो सोनार का क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म होता है, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। किसी को कोई समस्या, परेशानी, दुख, दर्द, परेशानी है तो आप लोग बता दीजिए, महोत्सव मत मनाइए अभी, ठीक है जी। अगर आपसे कोई पूछे कि सोनार के बारे में बात करें तो सोनार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो समुद्र की गहराई की बात करें या समुद्र में डूबे पोत की पता करते हैं, कुछ भी अगर डूब गया है, पोत डूब गया है, चाहे कुछ भी डूब गया है, तो उसकी पता लगाने के लिए हम लोग सोनार का प्रयोग कहीं ना कहीं करते हैं, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है जी। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और यह जो यंत्र होती है ये क्या करती है, आप सभी को पता है, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि पराश्रव्य तरंगों की बात करते हैं, पराश्रव्य तरंगों की प्रतिध्वनि को उत्पन्न करने वाले यंत्र की बात करें तो वो आपके सोनार की बात करते हैं। तो आप सभी को पता होगा, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सोनार की बात करें तो यह एक प्रकार का यंत्र है, और यह काम क्या करता है? तो पराश्रव्य तरंगों की प्रतिध्वनि की बात करते हैं को उत्पन्न करने का काम आपका सोनार करता है, इसका फुल फॉर्म पता चलेगा। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग की बात करते हैं, ये समुद्र की गहराई की बात करें, किसकी बात करें? समुद्र तल की गहराई, और साथ ही साथ समुद्र में डूबे पोत की जानकारी को प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और साधारणतः अगर बात करें, नेविगेटर्स की बात करते हैं, नौ संचालकों द्वारा इसका सबसे ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई साहब, क्या बोल रहा है कि कोयला एवं खानों की बात करते हैं में विस्फोट के लिए यह समझा जाता है कि इसके लिए मुख्यतः उत्तरदायी कौन है? तो मीथेन गैस की बात करते हैं। आप सभी की जानकारी के लिए मैं एक बात बता दूं कि मीथेन गैस की बात करते हैं तो इसकी जो मतलब मात्रा की बात करते हैं तो इसकी मात्रा दलदली क्षेत्रों में ज्यादा आपको देखने को मिलती है। किसके? दलदली क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलती है, इसीलिए इस मीथेन को मार्स गैस के रूप में जाना जाता है। और इसी मीथेन के नाम की बात करें तो इसी को फायर डैम्प भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फायर डैम्प भी कहा जाता है। और यह गैस की बात करें, रंगहीन होती है, गंधहीन होती है और स्वादहीन होती है। किसके बारे में बात किया? मीथेन, जिसको मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। यह रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होती है, और ये ज्यादातर दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, इसीलिए इसे मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। और मीथेन गैस की बात करते हैं तो जल में अल्प विलेय होती है। जल में क्या होती है? अल्प विलेय होती है, इसको याद रखिएगा। और अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करता हूं एल्कोहल की, तो एल्कोहल में ये क्या होता है? अत्यधिक विलेय होता है। किसकी अपेक्षा में भाई साहब? तो जल की अपेक्षा में। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि मार्स गैस के बारे में या मीथेन के बारे में बात करें तो जल में कम विलेय होता है और एल्कोहल में अत्यधिक विलेय होता है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। जो भी आपके खाद्यान्नों में विस्फोट की बात करते हैं तो उसका मेन कारण मीथेन गैस को ही माना जाता है। किसको माना जाता है? मीथेन गैस को माना जाता है, क्योंकि ये हवा के साथ मिश्रित होकर खाद्यान्नों में क्या करता है? विस्फोट करने का काम करता है। और इसमें अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp3, और इसके फॉर्मूले की बात करें तो CH4, और साथ ही साथ इसमें एंगल की बात करते हैं, इसमें एंगल की बात करें तो 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल की बात करते हैं, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। इससे ज्यादा कौन बताता है यार तुमको, लेकिन फिर भी तुम मेरे पे बिलीव नहीं करते हो, कितने बुरे हो आप लोग यार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ।
स्मार्ट जेल क्या होता है, यह है, ये सब बताएगा कोई बच्चा? तुमको भी पता है कि स्मार्ट जेल क्या होता है? नहीं पता है, लेकिन मैं तुमको अभी बताऊंगा क्या होता है। देखो, स्मार्ट जेल के बारे में बात किया जाए तो याद रखिएगा कि एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की क्या करता है, नकल है, है? तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे स्मार्ट जेल क्या है, तो याद रखिएगा एक प्रकार का पदार्थ है जो जीवन तंत्रों की क्या करता है, नकल करता है या नकल है, इसको याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन केवल यही मिलेगा और वो भी मेरे सेशन में है। लेकिन कितना दुख लगता होगा, कितना बुरा लगता होगा जब इतना बेहतर चीज पढ़ाने के बाद भी यहाँ पे मात्र संख्या कभी 10 हो जाती है, तो कभी 5 हो जाती है, तो कभी 15 हो जाती है। कितना दुख लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो किस्मत में है वही तो मिलेगा। वह पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल है उसी को क्या कहा जाता है, स्मार्ट जेल कहा जाता है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए, अब आइए थोड़ा गोल्डन धान की बात करते हैं। अब आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है, बहुत मजेदार है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ये गोल्डन राइस के बारे में मैंने आपको बताया था, इसको अगर देखा जाए तो ये विटामिन ए का प्रमुख स्रोत के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि विटामिन ए की बात करें मुख्य रूप से बीटा कैरोटीन की बात करते हैं, तो बीटा कैरोटीन की विशेष रूप से ये क्या करता है, आपूर्ति करता है, जिसका नाम क्या है, गोल्डन राइस की बात करते हैं। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और ये जो आपका धान है, गोल्डन राइस की बात करते हैं, तो इसके विकास करने के अगर बात करते हैं तो वैज्ञानिक के तौर पे किसको देखा जाता है, तो एक स्वीडिश आपके वैज्ञानिक थे, और एक की बात करते हैं तो आपके जर्मनी के वैज्ञानिक थे। एक वैज्ञानिक का नाम क्या था, इंगो पोट्रिक्स की बात करते हैं। किसकी बात करें, इंगो पोट्रिक्स की बात करें और पीटर मेयर की बात करते हैं। इंगो पोट्रिक्स कहां से संबंधित थे भाई साहब, स्विस यानी स्वीडिश की बात करते हैं, और ये जो आपके थे जिनका नाम पीटर मेयर था, ये आपके कहां से थे, जर्मनी से थे। दोनों लोगों ने क्या किया, अध्ययन किया, और अध्ययन किस पे किया आप लोगों को पता होगा, पिट्यूनिया के पौधों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पिट्यूनिया के पौधों की बात करते हैं। वहां से अगर बात किया जाए तो बीटा कैरोटीन का निर्माण करने वाले जीन को क्या किया, जीन को क्या किया, अलग किया। अच्छे तरीके से समझिएगा, अगर आपसे गोल्डन राइस के बारे में कोई क्वेश्चन पूछे तो आपका विस्तृत इसके बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। मैंने क्या बताया, इंगो पोट्रिक्स का नाम समझ गए और पीटर मेयर की बात करते हैं, दोनों लोगों ने मिलकर इसका क्या किया, विकास किया। साथ ही साथ ऐसा बताया जाता है कि इन दोनों लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि पिटूनिया के पौधों से क्या किया, बीटा कैरोटीन का निर्माण करने वाले जीन को क्या किया, पृथक किया, और उसको धान की बात करते हैं, उसको धान की बात करते हैं जिसको हम लोग चावल बोलते हैं, धान से ही होता है, धान के पौधों में क्या किया, प्रविष्ट किया, यानी कि धान के प्रविष्ट पौधों में उसको डाला, तो उसमें उसको क्या मिल गई, उन दोनों लोगों को सफलता मिल गई। और इस तरीके से देखा जाए तो हम लोग गोल्डन राइस का कॉन्सेप्ट जान गए, ठीक है जी। तो कितनी मजेदार चीजें हैं, इंगो पोट्रिक्स और साथ ही साथ पीटर मेयर, और कौन सा पौधा, पिट्यूनिया का पौधा, क्या किया, बीटा कैरोटीन का निर्माण करने वाले जीन को बाहर निकाला और ले जाके धान के क्या किया, पौधे में डाल दिया, और डालने के बाद दोनों लोगों ने देखा कि भाई साहब हमारा तो मामला क्या हो गया, सफल हो गया, और इस तरीके से गोल्डन राइस का कॉन्सेप्ट आपको मिल गया। क्या मिल गया, गोल्डन राइस की बात करते हैं, और ये मुख्य रूप से विटामिन ए के क्या करता है, जो आपकी विटामिन ए की समस्या है या उसकी कमी है उसको क्या करता है, भरपूर तरीके से पूरा करने का प्रयास करता है। आप सभी लोगों को बातें समझ में आई, तो आप सबको पता होना चाहिए गोल्डन धान अच्छा स्रोत है किसका, विटामिन ए की बात करते हैं, ये होना चाहिए भाई साहब। अब देखो एक्सप्लेनेशन करने लगा, एक्सप्लेन करने लगा तो सब लोग अपना भाग गए यहाँ से, क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ब्रिटिश अनुसंधानों द्वारा उद्घाटित किया गया है कि करी पत्ता, एक करी पत्ता का पौधा जो भारत का देशज है, औषध निर्माणी समावय के लिए अरबों डॉलर की क्षमता रखता है। करी पत्ता द्वारा उपचार का दवा किया जा सकता है, किसका दवा भाई साहब, तो करी पत्ता की बात करें तो इससे मधुमेह रोगियों को फायदा मिल सकता है। और जब भी बात किया जाए है? तो आप लोगों को पता है भाई साहब, मधुमेह की बात करें, डायबिटीज की बात करें, तो क्या होता है, मनुष्य की बात करें, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो आपको डायबिटीज का समस्या हो जाएगी, और इससे अगर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं ये आपके किडनी पे भी इफेक्ट डालता है। इसके बारे में आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और उसके इलाज के लिए अगर बात किया जाए तो हम लोग किसका, डायबिटीज की बात करें, मधुमेह की बात करते हैं, इससे निजात पा सकते हैं करी के पत्ते से। और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि प्रति वर्ष विश्व अगर मधुमेह दिवस की बात करें तो कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को मनाया जाता है। ये सारी बातें आपको पता
होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अपना आंसर फेंकिए, क्या बोले हैं, सावर मिल्क की बात करें, खट्टे दूध की बात करें, तो खट्टे दूध में किसकी बात करेंगे भाई साहब? तो सर देखिए, दूध कौन हो, इसमें लैक्टिक एसिड की बात करें, कौन हो का मतलब नहीं सर, खट्टा दूध लैक्टिकम है। विनेगर एंड पिकल्स की बात करें तो इसमें कौन आपको देखने को मिलेगा सर जी, एसिडिक। अचारों के परिरक्षण में किसका यूज किया जाता है, प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल्स की बात करते हैं तो उसमें सिरका का प्रयोग किया जाता है, इसको याद रखिएगा। सोडा वाटर एंड अन्य शीतल पेय की बात करें तो ये तो सर जी कितना बार, कम से कम 50 बार बताए हो, कार्बोनिकम। एप्पल की बात करें, एप्पल खाओगे, यानी कि इसका आंसर मैलिकम। तो इस तरीके से एक अपूर एक अपूर एक अपूर बी का थ्री, एक अपूर बी का थ्री, एक अपूर बी का थ्री, बिल्कुल सही। सी का सी का सी का सी का टू, यानी कि ये बी नंबर कट गया, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। एक बात मैं आज बोलूंगा, अभी रुको, बाद में बोलूंगा, थोड़ा सा टाइम दो। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन बायोडीजल पौधा है? अगर इसके बारे में तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लोग क्या बताओगे? पल्लवी तोमर जी, ये कहाँ चली गई थी आप, हैं? आपको देखने के लिए आंखें तरस सी गई थी कि भाई साहब कहाँ चली गई हैं आप लोग, क्यों छोड़ के भाग जाती हैं, कोई कारण बताइएगा, है कोई कारण बताइए, नहीं बताएंगे कोई बात नहीं, मत बताइए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बायोडीजल पौधा है? अगर बात किया जाए बायोडीजल पौधा की बात करें तो इसी को क्या कहा जाता है, रतन जोत की बात करते हैं, क्या है भाई साहब, रतन जोत की बात करें, या इसी को जेट्रोफा कहा जाता है, इसका नाम क्या, वैज्ञानिक नाम जेट्रोफा कर्कस, नहीं बोलते हैं कि भाई साहब ये आदमी बहुत कर्कस है, यानी कि उसी से याद रखिएगा, जेट्रोफा कर्कस की बात करते हैं, किसका वैज्ञानिक नाम है, रतन जोत की बात करते हैं, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और इसके बीज के इसके बीज की बात करें और उस बीज के तेल का उपयोग किसमें किया जाता है, बायोडीजल के रूप में किया जाता है। भाई साहब आपको सुन के हैरानी होगी कि इसके लिए एक अलग आपका कार्यक्रम चल रहा है, कि इसके लिए केंद्र सरकार की बात करें तो कुछ एक परियोजना चला रही है जिसमें मुख्य रूप से बात किया जाए तो 8 नगरों में इस परियोजना की शुरुआत की बात की जा रही है, जिससे अगर बात किया जाए, रतन जोत याद हो गया, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, जेट्रोफा कर्कस, नाम क्या है, जेट्रोफा कर्कस की बात करते हैं, और इससे अगर बात किया जाए तो ये बायोडीजल पौधा के रूप में देखा जाता है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और इसको पता है, मेरे प्यारे साथ नहीं बोलते हैं, जैसे मम्मी गुस्सा होती थी तो क्या बोलते थे, मेरा बेटा ना जंगली हो गया है, तो जंगली आरंडी की बात करते हैं, इसको मुख्य रूप से अगर बात किया जाए रतन जोत को, तो साधारण भाषा में जंगली अरंडी पौधे के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है, देखो इसका पूरा इतिहास बता रहा हूँ, जंगली अरंडी पौधे के नाम से जाना जाता है, अरंडी के पौधे के नाम से अगर बात किया जाए, पौधे के नाम से जाना जाता है। आप सभी को पता है कि ये जो आपका पौधावा है, रतन जोत की बात करते हैं, कौन सा भाई साहब, रतन जोत की बात करते हैं, तो ये जो होता है ये 4 वर्ष में क्या देता है, 4 वर्ष में बीज पैदा करता है, क्या करता है भाई साहब, बीज पैदा करता है, इसको आप लोग अच्छे तरीके, यानी कि बीज पैदा होता है 4 वर्ष में, इसका बीज पैदा होता है, और ये जो पौधावा होता है, ये पौधावा जो होता है, और इसकी ऊंचाई की बात करें, हाइट की बात करें, तो कितना होता है, 8 से 12 आपके फीट की बात करते हैं, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, कितना भाई साहब, 8 से 12 फीट की बात करते हैं, इसको याद रखिएगा। और इसकी औसत आयु की बात करें, यानी कि ये जो पौधा है इसका औसत आयु कितना होता है, इतना कौन बताएगा रे भाई, तुम वो 45 वर्ष की बात करते हैं, इसको आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, कितना होता है, 45 वर्ष। अब पूछेंगे सर जी कहाँ कहाँ उगता है, तो बोलेंगे जितना रेतीला क्षेत्र है, जितना शुष्क क्षेत्र है, क्या है भाई साहब, शुष्क क्षेत्र है, जितना आपका रेतीला क्षेत्र है और जितना आपका बंजर क्षेत्र है, वहां पे खूब फलता फूलता है, क्या बोले भाई साहब, तो आप लोगों को याद रखना है, जितना भी आपका शुष्क क्षेत्र हो गया, जितना भी आपका क्या हो गया, रेतीला हो गया, और जितना भी आपके जंगली की बात करते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा, इन सब की बात करते हैं, इन सब मिट्टियों पर ये मुख्य रूप से देखने को मिलता है। जंगली की बात करते हैं, जंगली का मतलब समझ रहे, जंगली का अर्थ यहाँ पे आप लोग जंगली मत लिखना, यहाँ पे बंजर लिख लेना, किसकी बात करते हैं, बंजर, खूब फलता फूलता है, इसको आप लोग याद रखिएगा, क्या होता है भाई साहब, खूब फलता फूलता है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। तो बताइए आपको चीजें क्लियर हुई, किसी को कोई दिक्कत हुआ है, किसी को क्लियर हुआ, इसको आप लोग क्लियर है। चलिए भाई साहब, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बाबू जी, सोना जी, जादू जी, टोना जी, देखिए भाई साहब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की तो क्या होगा, आप लोग जल्दी बताइए, जल्दी बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। और ये आपके मार्केट में नया है, पुदीना सॉन्ग सुने हैं आप लोग, तो पुदीना पे ये आपका क्या है क्वेश्चन है। तो चलिएगा ब्राह्मी की बात करते हैं, तो इसका संबंध किससे है भाई साहब, अगर इसके यूज की बात करते हैं तो इसमें ब्रेन टॉनिक के तौर पे इसको देखा जाता है, वनस्पति है और ये आपका इसका यूज है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, अगर सदाबहार की बात करें तो आपको याद किसके लिए रखना है भाई साहब, सदाबहार की बात करते हैं बताइए आप लोग क्या हो जाएगा, सदाबहार की बात करें तो ये आपका मधुमेह प्रतिरोधी के तौर पे देखा जाता है। पुदीना की बात करते हैं तो पुदीना किस रूप में भाई साहब, तो आपके कर्मिनेटिव की बात करते हैं, ये पुदीना का यूज हो जाएगा। अगर बात करते हैं तो तुलसी की बात करें तो कफ ऑफ की आपको समस्या होगी, नहीं बोलते हैं कि कफ हो गया है तो क्या बोलते हैं कि तुलसी भगवान तुलसी माता का क्या पतवा तुल के लाओ और उसका काढ़ा बनाओ और काढ़ा बना के पी जाओ। यानी कि इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो समझ गए, ब्राह्मी की बात करें तो ब्रेन टॉनिक के रूप में, सदाबहार की बात करें तो एंटी डायबिटिक की बात करते हैं, पुदीना की बात करें तो आपकी कर्मिनेटिव वातहर की बात करें, या तुलसी की बात करें तो आपके एक्सपेक्टोरेंट की बात करते हैं, कफक सारक की बात करें, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आपको मैं लिए चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 260। सामाजिक वानिकी में निम्न में से किस प्रकार के वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है, अगर आपसे बात किया जाए तो ये आपके मल्टीपर्पज टाइप के पौधों का प्रयोग कहीं ना कहीं आपका किया जाता है। किसकी बात करते हैं, मल्टीपर्पज की बात करते हैं। अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि बताइए माचिस का जो आपका माचिस उद्योग होता है उसमें कौन से पेड़ का प्रयोग किया जाता है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे, है माचिस उद्योग के लिए कौन से वृक्षों को लगाने की बात की जा रही है, तो अर्जुन वृक्ष की बात करते हैं। क्या नाम है उसका, अर्जुन वृक्ष की बात करते हैं, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगर बात किया जाए कि कागज उद्योगों के लिए कौन से वृक्ष की बात करें, या कागज या लुगदी की बात करते हैं तो सैजन की बात करते हैं या रेयन की बात करते हैं, इन आपके वृक्षों को लगाने की बात की जा रही है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और सामाजिक वानिकी योजना को कब लॉन्च किया गया, आप सभी लोगों को पता होगा सामाजिक वानिकी योजना की लॉन्चिंग की बात करें तो 1976 की बात करते हैं, यानी कि इसके प्रारंभ की बात करें, शुरुआत की बात करें, सामाजिक वानिकी योजना की शुरुआत 1976 में हुई थी, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अब ऐसे अगर आप लोग बात करें सिल्क उद्योग को बढ़ाने के लिए कौन से पेड़ों की बात करते हैं, तो सहतूत की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सहतूत की बात करें, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तेल के लिए अगर बात किया जाए तो कौमी वृक्ष की बात करते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये सारी बातें आपको आपको याद रखने की जरूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 262 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 262 की बात करते हैं, 261 कहाँ जाएगा है भाई साहब, ऐसे ना करो भाई साहब, ऐसे कैसे करते हो। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक मीन है, है? Which one of the following is a fish? बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि आपके समुद्री जंतु होते हैं, उसके ऐसे ऐसे नाम हैं जिनको लगता है देख के कि कहीं ना कहीं ये मछली ही तो नहीं है। जैसे आपको मैंने बोला स्टार फिश की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको कैटल फिश के बारे में बात किया, किसके बारे में, कैटल फिश के बारे में बात किया, जैसे आपको मैंने जेली फिश के बारे में बात किया, तो मैंने क्या बताया, पहले की बात करें, ध्यान दो अच्छे तरीके से, मछली चिल्ला रही है, मछली चिल्ला रही है तो क्राई फिश, किसकी बात करते हैं, क्राई फिश। मछली की बात करें तो रोजर फिश, मछली की बात करें तो कैटल फिश, मछली की बात करें तो आपका कौन सा भाई साहब, स्टार फिश। तो ये सब नाम तो है लेकिन ये मछली नहीं है, ये क्या है, एक तरीके के आपके समुद्री जीव है, और ये कौन से समूह से है, इकाइनोडर्मेटा समूह से संबंधित है, इसको याद रखना। तो बोलो जेली फिश, स्टार फिश, कैटल फिश, सेल फिश, और उसके बाद कौन सा है वो मछली का प्रकार, मैंने बताया क्राई फिश। किसकी बात करते हैं, क्राई फिश की बात करते हैं। फिर आपका सिल्वर फिश भी हो जाएगा, ये सारे आपके क्या है, समुद्री जंतु के तौर पे देखे जाते हैं। यानी कि अगर आपसे इसमें पूछा तो फ्लाइंग फिश की बात करते हैं तो ये आपकी एक मछली की प्रजाति है, बाकी सारे के सारे क्या है, गलत है। ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी होगा नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। ठीक है, तो कौन कौन सा, रेजर फिश की बात करें, स्टार फिश की बात करें, और उसके साथ आपके सिल्वर फिश की बात करें, कैटल फिश की बात करें, सेल फिश की बात करें, क्राई फिश की बात करें, जेली फिश की बात करें, ये सारे आपके इकाइनोडर्मेटा जंतु समूह से संबंधित है, और ये एक प्रकार के आपके समुद्री
जंतु है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और आप लोगों से क्वेश्चन पूछे कि ये जो समुद्री जंतु है ये भोजन के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो ये नाल पाद का यूज करते हैं। और ये नाल पाद का काम क्या होता है भाई साहब, तो संवेगी अंग का काम करता है। ये नाल पाद किस रूप में काम करता है, संवेगी अंग का काम करता है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और इसमें अगर बात किया जाए तो इन लोगों की बात करें तो इनके तंत्रिका तंत्र की बात करें वहां पे अगर देखा जाए तो इनमें मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क विकसित इसमें नहीं होते हैं। किसमें बात करें तो ये सारे जो आपके दिख रहे हैं स्टार फिश, केटल फिश, क्रे फिश, क्राई फिश जो भी होता है, क्रे का क्राई कर देना। अगला क्वेश्चन पढ़िए भाई साहब। अगला क्वेश्चन बोला है कि वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाना, खून के थक्के का पता लगाना तो एक वो काम है भाई साहब। रक्त व्यतिक्रम के बारे में बात किया जाए तो सोडियम 24 की बात करते हैं। किसकी बात करें, सोडियम 24 की बात करते हैं, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई साहब, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एकदम नया मार्केट में। व्हाट इज दैट इन हाउस होल्ड डस्ट दैट ऑफेंड्स अस्थमेटिक्स की बात करते हैं, यानी कि घरेलू धूल में वह क्या है जो दमा पीड़ितों को परेशान करता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डस्ट माइट्स बोलते हैं, धूल बरूथी बोलते हैं। जो घर वर में होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, धूल की बात करें तो धूल बरूथी होता है, जिसमें अगर कोई दमा की बात करे, अस्थमा की बात करते हैं, उसका रोगी है तो उसको परेशानी होती है, तो वो कौन है भाई साहब, तो धूल आपके बरूथी की बात करते हैं, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 264, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर के तौर पे देखा जाता है, तो सुपर कंप्यूटर के तौर पे कौन देखा जाएगा, इसमें अनुपम की बात करेंगे। कौन है जय भाई साहब, अनुपम की बात करते हैं, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। किसकी बात करेंगे, अनुपम की बात करते हैं, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। एक दो आपके कंप्यूटर के भी प्रश्न आ जा रहे हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। निम्नलिखित उत्पादों में कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है, पेंटियम ब्रांड के नाम से क्या बेचा जाता है, तो आप लोगों को पता है माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं, तो पेंटियम ब्रांड से क्या बेचा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर की बात करें, इसको आप लोग याद रखिएगा। विश्व व्यापक जाल की बात करें, WWW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक के तौर पे किसको देखा जाता है, तो टीम बर्नर्स ली की बात करते हैं। कौन है भाई साहब, टीम बर्नर्स ली की बात करते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 267, कौन है भाई साहब, कॉस्मोस 2406 की बात करते हैं, तो यह क्या है भाई साहब, अगर आपसे पूछा जाए तो यह एक प्रकार का आप क्या है, मिलिट्री सैटेलाइट यानी कि सैन्य उपग्रह के तौर पे इसको देखा जा रहा है। क्या है भाई साहब, और ये किसका सैन्य उपग्रह है, रूसी सैन्य उपग्रह की बात करते हैं, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। किसकी भाई साहब, रूसी सैन्य उपग्रह की बात करते हैं, जिसका नाम क्या है, कॉस्मोस 2406 की बात करते हैं, इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, अगर बात किया जाए, अगर आकाश मिसाइल के बारे में बात किया जाए तो यह मध्य दूरी बहुलक्षीय प्रक्षेपास्त्र की बात करें, यानी कि मीडियम रेंज मल्टी क्या है भाई साहब, टारगेट मिसाइल है, ये बात तो सही है। नाग की बात किया जाए तो क्या है भाई साहब, नाग के बारे में देखा जाए तो एक टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है, ये भी सही है। अगर बात किया जाए पिनाक की बात करते हैं भाई साहब, तो एक बहुनली युक्त रॉकेट प्रक्षेपण शस्त्र निकाय है, ये भी सही है। लेकिन त्रिशूल की बात करते हैं तो ये क्या है, गलत है। त्रिशूल एक लघु दूरी सतह से सतह प्रक्षेपास्त्र नहीं है, ये हवा में मार करने वाली बात करते हैं, हवा से बात करने वाली आपकी मिसाइल के तौर पे देखी जाती है, यानी कि ये आपके हवा से सतह की बात करें या इस तरीके से, ये आपके सतह से सतह वाला संबंध इसका सही नहीं है। जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जब आप लोगों को मिसाइल पढ़ाऊंगा तो उसमें ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा, किसका रेंज क्या होता है, इसमें और क्या क्या चीजें होती है। वर्तमान समय की बात करें तो अभी पे आप लोगों को केवल आंसर याद करना है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई साहब, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि एस्ट्रोसैट की बात करते हैं, एस्ट्रोसैट क्या है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे, जल्दी से बताइए, ठीक है जी, इसके बारे में आप लोग जल्दी से बताइएगा। तो एस्ट्रोसैट की बात करते हैं, ये आपका क्या है, भारत द्वारा 2007 में प्रक्षेपित होने वाला खगोल विज्ञान से संबंधित आपका उपग्रह है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रोसैट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, एस्ट्रोसैट के नाम से जानते हैं। तो भारत द्वारा 2007 में प्रक्षेपित होने वाला खगोल विज्ञान से संबंधित आपका क्या है, उपग्रह है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 270,
प्रकाश का रंग निर्भर करता है। तो प्रकाश का रंग किस पे निर्भर करता है भाई साहब, तरंग दैर्ध्य की बात करते हैं। प्रकाश का जो रंग होता है वो किस पे निर्भर करता है, तो आपके तरंग दैर्ध्य की बात करते हैं। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य कौन से रंग का होता है, तो लाल रंग का होता है। और बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य की बात करें तो सबसे कम होता है। और इसी तरंग दैर्ध्य को इन इंग्लिश वेवलेंथ कहा जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी। अगर आपसे इस क्वेश्चन का आंसर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन अगर एग्जामिनर पूछने लग जाए ना तो मजा आ जाए। क्या बोला कि समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी। तो बम के ठीक ऊपर की बात करते हैं, क्या होगा, हवाई जहाज होगा। क्या होगा भाई साहब, बम के ठीक ऊपर आपका क्या हो जाएगा, हवाई जहाज होगा। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 272, वायुमंडल की ओजोन परत की बात करते हैं तो ये क्या करती है, तो आपके परावैज्ञानिक विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। क्या करती है भाई साहब, तो परावैज्ञानिक विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने का काम कौन करती है भाई साहब, तो आपकी ओजोन परत की बात करते हैं। और इसी ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, क्यों, क्योंकि पॉल्यूशन के चलते। और जो भी आपके वाहनों से निकलने वाली गैसें हैं या बहुत सारी इसके अन्य अन्य प्रकार हैं, जैसे कि आपको क्लोरो फ्लोरो सीएफसी 12 की बात करते हैं, जैसे अगर बात किया जाए तो आपके बहुत सारे अगर बात किया जाए तो ये फ्लोरीन की बात करें, क्लोरीन की बात करते हैं, और इसके साथ ही साथ बात करें फ्लोरीन की बात करते हैं, ये आपके ब्रोमीन की बात करते हैं, इन सबके क्लोराइडों की बात करें या अन्य चीजों से आपके बहुत सारे आपके ओजोन लेयर को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच रहा है। और उस लेयर में नुकसान होने का चिंताजनक स्थिति इसलिए है क्योंकि ये ओजोन लेयर हमें क्या करता है भाई साहब, तो पृथ्वी की परावैज्ञानिक किरणों को पृथ्वी पर आने से, पृथ्वी बोल रहा हूँ भाई साहब, सूर्य की परावैज्ञानिक किरणों को पृथ्वी पर आने से कहीं ना कहीं बचाता है। अगर ये डायरेक्ट हम तक पहुंच जाए तो हमको स्किन कैंसर की समस्या हो जाती है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है जी, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अनिल गौतम प्लीज सर्च ऑन गूगल, ठीक है, परावैज्ञानिक किरण की खोज किसने की, वो आपको आंसर दे देगा। ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको गूगल देता है, ठीक है। मैंने अगला क्वेश्चन, वायुयानों के टायरों को फुलाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली गैस की बात करें तो कौन सा है। आप सभी लोगों को बताया मैंने कि उस गैस का नाम क्या है, आपके नाइट्रोजन की बात करते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन की बात करते हैं, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए जो चारकोल प्रयुक्त किया जाता है उसको क्या कहा जाता है भाई साहब, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमल चारकोल की बात करते हैं, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है जी। तो आप सभी साथियों को ये पता होना चाहिए कि कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए जो चारकोल प्रयुक्त किया जाता है उसको एनिमल चारकोल कहा जाता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 275, जल की अस्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरताएं दूर की जा सकती है अगर बात किया जाए, किसके द्वारा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे, जल्दी बता दीजिए। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि जल की अस्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता को बाय डिस्टिलेशन की बात करें, आसवन विधि के द्वारा आप इस दोनों को दूर कर सकते हैं, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और आप सभी को पता है कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करना है तो आपको तो केवल इसको उबाल कर ही अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं, लेकिन अस्थायी कठोरता को दूर करना है तो केवल उबलने मात्र से वो दूर नहीं होती है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और कठोरता आने के कारण के बारे में मैंने बताया आप सभी साथियों को, किसके बारे में बताया भाई साहब, तो आप सभी लोगों को पता होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम की बात करते हैं, जल में घुलने के कारण इसके लवण जो होते हैं जैसे मैंने आपको बताया वो उस घुलने के कारण ही आपके जल में कठोरता उत्पन्न होती है। और जब जल में कठोरता उत्पन्न हो जाती है तो उसमें अगर बात किया जाए तो साबुन जो होते हैं वो आसानी से झाग उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 276, कोयले की किस्म जिसमें कार्बन की मात्रा न्यूनतम तथा अधिकतम नमी होती है, तो कोयले का एक किस्म है जिसको क्या कहा जाता है, भूरा कोयला कहा जाता है। अब भूरा कोयला का मतलब सीधे किसके साथ लगाया जाता है, लिग्नाइट की बात करते हैं,
और ये लिग्नाइट के बारे में ऐसा बताया जाता है कि इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा 25% से आपका कितना होता है, 25 से 30% के अप्रोक्सीमेट होता है। कितना भाई साहब, 25 से 30% के अप्रोक्सीमेट होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है जी, बहुत अलग होते हैं आप, इसीलिए तो बोलते हैं कि आप कभी कभी क्लास में भी आ जाया कीजिए ना, तब आपको पता चलेगा। मैंने आपको सब पढ़ाया है, जब मैं धातु टॉपिक पढ़ा रहा था तो धातुओं के अयस्क के बारे में भी बताया था, अयस्क और खनिज में अंतर भी बताया था, अयस्कों के सांद्रण के बारे में भी बताया था, उसमें डिस्टिलेशन भी बताया था। तो आप आएंगे तब तो पता चलेगा ना, ऐसे कैसे बता देंगे, इतना विद्वान मैं शिक्षक नहीं हूँ, माफ कीजिएगा गुरु। ठीक है, आप आइएगा तभी समझ पाइएगा, डेली आइएगा तभी सीख पाइएगा। ठीक है, तो कोयले की किस्म जिसमें कार्बन की मात्रा न्यूनतम तथा अधिकतम नमी, तो क्या होगा, लिग्नाइट, और इसी को क्या कहा जाता है, भूरा कोयला कहा जाता है। और सबसे प्रारंभिक स्तर के कोयले की बात करें तो उसमें आपके किसकी चर्चा होती है, पीट की बात करते हैं, जिसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा की बात करें तो 50 से 60% की बात होती है। साथ ही साथ अगर बात करें सबसे बेहतर किस्म के कोयले की बात करें तो उसका नाम क्या है, एंथ्रासाइट की बात करते हैं, और एंथ्रासाइट में अगर कार्बन की मात्रा की बात करें तो 80 से 90% होता है। ये सबसे अच्छा आपका क्या माना जाता है, कोयला माना जाता है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा, याद रखिएगा। और आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि एंथ्रासाइट की बात करें तो ये कहाँ पे पाया जाता है, आप लोग बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, आप लोग बताइए एंथ्रासाइट जो है ये कहाँ पे पाया जाता है अधिक मात्रा में, बता सकते हैं तो बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए भाई साहब, कुचुक की बात करते हैं, कुचुक किस पदार्थ का स्रोत है, तो कुचुक की बात करते हैं तो क्या ये आपके मॉर्फिन का है, क्या आपके कोडिंग का है, क्या आपके बायोफ्यूल है, क्या ये आपका रबर है। तो कुचुक की बात करते हैं तो ये एक प्रकार का क्या है, प्राकृतिक रबर है। कुचुक की बात करें तो यह एक प्रकार का क्या है, प्राकृतिक रबर है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों को यह बात पता होना चाहिए कि कुचुक एक क्या है, प्राकृतिक रबर है। प्राकृतिक रबर का मतलब क्या, कहीं ना कहीं उसका स्रोत क्या होगा, पेड़ पौधा होगा, यानी कि नेचर से उसको क्या किया जाता होगा, प्रदत्त जो वस्तुएं हैं या जो चीजें हैं उससे इसको प्राप्त किया जाता होगा। तो कुचुक के बारे में बात किया जाए तो यह आपका रबर का, अगर बात किया जाए तो ये आपका स्रोत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 278 क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो आप लोगों को जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था विटामिन के बारे में, कम से कम 50 बार बोल दिया मैंने। विटामिन की बात करें तो एक होता है वाटर सोल्यूबल, एक होता है फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल में विटामिन बी और सी, और बी के बहुत सारे कंपोजिशन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें B1 की बात करें जिसको थायमिन कहा जाता है। फिर अगर बात करें आपके B2 की बात करते हैं, B2 को क्या कहा जाता है जरा बताइए आप सभी लोग, तो B2 का रासायनिक नाम क्या है जरा बताना, देख लें आप सभी लोगों को कितना आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। आप लोग मेरे क्वेश्चन का आंसर कीजिए, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि विटामिन B2 की बात करते हैं तो उसका रासायनिक नाम क्या है, जल्दी से आंसर आना चाहिए एकदम फटाफट, अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब है। चलिए रिंकी कुमारी जी गुड इवनिंग, आपका बहुत स्वागत है रिंकी जी। अगर आप नहीं है तो इस परिवार को एक बार सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिएगा और क्लास में बने रहिएगा। अगर आपको बिना मतलब क्या बोलते हैं लोह लालच के और निस्वार्थ भाव का मेहनत देखना है तो आप यहाँ पे जुड़ सकती हैं। देख रहे हैं, ये आपके अनिल गौतम भाई जी ने बताया है, B2 की बात करें तो उसका थायमिन नाम है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ो, पढ़ते हो नहीं आप लोग है, और बिना मतलब के इधर उधर घूमोगे फिर बाद में कुछ गड़बड़ होगा तो बोलोगे भैया गड़बड़ हो गया। दीक्षा जी पहले क्वेश्चन का आंसर तो दे दीजिए। वर्षा पटेल जी आपका भी बहुत स्वागत है। आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा है कि विटामिन B2 की बात करते हैं उसका रासायनिक नाम क्या है, अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया, अब जाके आया, राइबोफ्लेविन की बात करते हैं। ठीक है, क्या भाई साहब, राइबोफ्लेविन की बात करते हैं, क्या ये सही है, जल्दी बताइए आप सभी लोग, कहाँ सो गए आप सब लोग। चलिए, तो आप लोगों से अगर कोई क्वेश्चन पूछे, अब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देना अच्छे तरीके से मेरी बातों को सुनना। देखो सॉरी, ये B12 का है, फिर भी गलत है अनिल गौतम जी, फिर भी गलत है। ठीक है, चलिए, हाँ बिल्कुल आकांक्षा सही जवाब है।
ठीक है, राइबोफ्लेविन। तो देखो मैंने क्या बताया, अब बार बार मैं इस चीजों की चर्चा करता हूँ फिर भी आप लोग नहीं अच्छे से समझते हैं, और फिर बाद में दिक्कत होगा तो बोलेंगे ओ सर जी फंस गया, ये हो गया वो हो गया। मैंने क्या बताया, वाटर सोल्यूबल की बात करें विटामिन बी और सी, और फैट सोल्यूबल की बात करें तो केडा की बात करते हैं, ठीक है जी। अरे प्रियंका बाद में इसका आंसर देना, पहले मैं जो पूछ रहा हूँ उसका तो आंसर करो, है पहले जो मैं पूछ रहा हूँ उसका तो आंसर करो। अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि विटामिन बी फाइव की बात करते हैं, B5 की बात करें तो उसका रासायनिक नाम क्या है, तो मैं आपको कितने बार बताता हूँ, आपको पेंटोथेनिक अम्ल याद रखना। अगर आपसे किसी ने पूछा कि B6 का बताओ तो पाइरेडॉक्सिन याद रखना, किसी ने पूछा B7 का बताओ तो बायोटिन बताना है, किसी ने पूछा B9 का बताओ तो फॉलिक एसिड बताना है, किसी ने पूछा B12 का बताओ तो साइनोकोबालामिन बताना है, किसी ने पूछा विटामिन सी की बताओ तो एस्कॉर्बिक एसिड बताना है, किसी ने पूछा विटामिन डी की बताओ तो कैल्सिफेरॉल बताना है, किसी ने पूछा विटामिन ई की बताओ तो टोकोफेरॉल बताना है, किसी ने पूछा विटामिन के का बताओ तो क्या बताना है, नेफ्थोक्विनोन की बात करते हैं, क्या बताना है, नेफ्थोक्विनोन की बात करते हैं, किसी ने पूछा विटामिन ए का बताओ तो उसका क्या बताना है, रेटिनॉल बताना है, है? अच्छे से पढ़ो यार, मेहनत करो, बार बार जो चीज बताता हूँ वो भी गलत हो तो क्या पढ़ने फायदा, क्या पढ़ने से फायदा है वैसा। चलो अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, तो केवल बी डी के फॉर्म में दिया है, तो बेरी बेरी की बात करें तो विटामिन आपके B1 की कमी से आपको बेरी बेरी रोग होता है, और बेरी बेरी रोग क्यों, मैंने आपको बताया था कि पॉलिश्ड जो आपके चावल होते हैं उसको बार बार खाइएगा तो आपको समस्या हो सकती है। अगर ए की बात करते हैं तो ए से क्या हो जाएगा भाई साहब, रक्त संबंधी समस्याएं जो होगा वो के से होगा, क्या होगा, शिशु की रक्त संबंधी समस्याओं की बात करें तो के से होगा। अगर डी की बात करते हैं तो डी की बात करें तो आपके सूखा रोग हो जाएगा, ए की बात करें तो आपके रतौंधी हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर बात किया जाए तो ए का आपका क्या हो जाएगा, ए की बात करें तो आपका बी हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी टू की बात करें तो डी हो जाएगा, तीन की बात करें तो ए हो जाएगा, चार की बात करें तो सी हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर, बुलडोजर बाबा ट्रिक बताओ, ट्रिक नहीं आता है बाबा, बाबा मेरे दादा मेरे, मेरे को ट्रिक नहीं आता है, मैं थोड़ा कम जानता हूँ, जो जानता हूं वही मानता हूं, और मैं ट्रिक को नहीं मानता हूं, इसलिए मुझे ट्रिक नहीं आता है, ठीक है जी। और ट्रिक के लिए सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे तो बहुत सारे आपके चैनल मिल जाएंगे, उस पे बहुत सारे आपको ट्रिक्स मिल जाएंगे, वहां से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ ट्रिक नहीं आता है हमको तो मैं कैसे आपको बता पाऊंगा, है डायलिसिस की बात करते, इसी ट्रिक में तो तुम्हारा दिमाग ट्रिक हो गया है, इसीलिए तो तुम्हारा रिजल्ट ट्रिक हो जाता है। ट्रिक का मतलब समझते हो, फुर हो जाता, फुर का मतलब समझते हो, गायब हो जाता। किसी भी चीजों को आसानी से पाने की जब इच्छा आप रखने लगोगे ना तो आप कभी भी मतलब संघर्षशील नहीं बन सकते हैं, और आप बहुत अच्छे ओहदे पे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आप हमेशा किसी भी चीज का शॉर्ट फॉर्मेट खोजते हैं, और जो इंसान शॉर्ट फॉर्मेट की तरफ आगे बढ़ता है वो आज तक सफल नहीं हो पाया है, आना होता है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, ठीक है। चलिए क्या बोले, डायलिसिस का संबंध निम्न में से किस अंग के कारण होता है, तो डायलिसिस का संबंध सीधे आपका किडनी से होगा, किससे होगा भाई साहब, तो किडनी से होगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। और आप लोगों की बात करते हैं, इसकी ब्रिक की बात करें, कार्यात्मक इकाई की बात करें तो इसको नेफ्रॉन भी कहा जाता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। तो आप सभी मेरे प्यारे साथी याद रखिएगा कि डायलिसिस का संबंध निम्न में से किस अंग के रोग से है, तो आपके किडनी से संबंधित रोगों की बात करें तो उसके लिए आपको डायलिसिस की जरूरत होती है, ठीक है जी। और आप सभी लोगों को याद रखिएगा, सर कह रहे हो सर राइट बात है, तो बताइए फिर क्या जाए, बुलडोजर बाबा तुम्हारा बुलडोजर उखाड़ दूंगा अभी, पता है, थोड़ा सा पहले ना बैक जाके देख ले बेटा क्या बताया हूं और क्या बता रहा हूं, ठीक है, उसके बाद आना, क्या ही बोलू तुमको मैं, छोड़ो कुछ नहीं बोलूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है उसको क्या कहा जाता है, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे कि स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है, आप लोग बताइए, ठीक है जी। स्टेथोस्कोप के बारे में तो आप लोग जानते हैं भाई साहब, तो याद रखिएगा सुपर इम्पोजिशन ऑफ साउंड वेव की बात करते हैं, उस सिद्धांत पर कौन काम करता है, स्टेथोस्कोप की बात करते हैं,
और इसका प्रयोग कौन करते हैं भाई साहब, डॉक्टर करते हैं, ठीक है जी। तो स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है उसको किस नाम से जाना जाता है, सुपर इम्पोजिशन ऑफ साउंड आपके वेव के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी यार, मैंने ये नए साल में प्रण लिया था कि ऐसे मतलब क्या बोलते हैं नलायकों का रिस्पॉन्स नहीं करना है, लेकिन मैंने कर दिया, इसके लिए वेरी सॉरी फ्रॉम माई साइड। जो नलायक होते हैं उसके कमेंट का रिस्पॉन्स क्यों नहीं करना है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय धान संस्थान की बात करें, सेंट्रल राइस इंस्टीट्यूट कटक के वैज्ञानिकों द्वारा विश्व का प्रथम अत्युत्तम धान का नामकरण हुआ, कहाँ गया बुलडोजर, इधर आ तो बेटा बुलडोजर, थोड़ा जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। जिन जिन गुरु गुरु लोगों के सानिध्य में पढ़ के आया है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर कर दे बेटा, फिर समझ जाऊंगा कि तुम्हारा बुलडोजर स्ट्रांग है, नहीं तो केवल नाम के लिए ही बुलडोजर है क्या रे तुम भाई। ठीक है बुलडोजर, इधर बात कर भाई। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ। नहीं नहीं आप लोग मत बोलिए गुरु ज्ञान जी, चलिए बुलडोजर भाई क्वेश्चन का आंसर बता। केंद्रीय धान संस्थान सेंट्रल राइस इंस्टीट्यूट कटक के वैज्ञानिकों द्वारा विश्व का प्रथम अत्युत्तम धान का नामकरण हुआ है, उसका नाम क्या है, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखिएगा इसका नाम क्या है, लूनी श्री की बात करते हैं। जब भी कटक की बात करें तो आपको उड़ीसा, और पहले पता है जब देश आजाद नहीं हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि उड़ीसा की राजधानी जो थी वो क्या थी, कटक थी, क्या थी, कटक थी। लेकिन जब देश आजाद हो गया, ओडिशा जब आपका एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया 1 अप्रैल 1936 को, तब से ओडिशा की बात करें इसको पहले उड़ीसा के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2011 के बाद की बात करते हैं, ठीक है जी, 2011 के बाद की बात करते हैं तो इसको अब ओडिशा के नाम से जाना जाने लगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, जब ओडिशा की बात करते हैं तो आप लोगों को पता है कि अभी हाल में अगर करंट रिलेटेड आपकी बात करें तो आपके हॉकी विश्व कप का आयोजन वहां पे हुआ है, और वहां पे आपके भुवनेश्वर की बात करें और साथ ही साथ राउरकेला की बात करें तो उसके आयोजन स्थल के तौर पे देखा जा रहा है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, और चावल अनुसंधान केंद्र भी आपके कटक में है, बिल्कुल सही जवाब है आपका, ठीक है जी, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा। ओके ठीक है, हाँ बुलडोजर भाई मेरे को इतना ही आता है, सॉरी फ्रॉम माय साइड भाई, ठीक है, जितना आता है उतना ही बताऊंगा ना, मेरे को ज्यादा आता ही नहीं तो मैं कहां से बता दूंगा, आप ही बताओ। अगले क्वेश्चन की तरफ, इसीलिए भाई बुलडोजर मैं आपको बोल रहा हूँ कि जितना आता है उतना ही बता सकते हैं। निम्नलिखित में से एक नया नाम कल्पना वन किसको दिया गया है, अगर बात किया जाए इसमें से किसका नाम जो है कल्पना वन रखा गया, क्या इनसेट वन ए की बात करें, मेट सेट की बात करें, इनसेट टू बी की बात करते हैं, या अग्नि थ्री की बात करते हैं। तो अगर आप लोगों से किसी ने पूछा कि इनमें से किनका नाम चेंज करके कल्पना वन कर दिया गया है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए, ठीक है जी। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि इनमें से किसका नाम बदलकर आपका कल्पना वन कर दिया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा मेटसेट की बात करते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताओ भाई साहब, आप लोगों को मैंने बताया था कि बहुत सारे अंतरिक्ष प्रोग्राम की बात करते हैं तो इसके आयोजन की बात आती है, और इसके बारे में मैंने बताया था TERLS की बात करते हैं, ये आपके अंतरिक्ष प्रोग्राम की बात करते हैं तो इसका समय काल कब देखा जाता है, 1963 में देखा जाता है, कब देखा जाता है, तो 1963 की बात करते हैं, इसको याद रखना। साइट की बात करते हैं तो 1975 की बात करते हैं, स्टेप की बात करते हैं तो 1977 से 1979 की बात करते हैं, और एप्पल प्रोग्राम की बात करें तो 1980 की बात करते हैं। तो इस तरीके से आपका अरेंजमेंट जो है, मुझे तो लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, ये सारे कहीं ना कहीं अंतरिक्ष प्रोग्रामों से संबंधित आपके हैं, जिसमें इसके समयावधि की बात करें, समय काल के बारे में आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप सभी लोग मेरे प्यारे साथी, अगर आप सच में हमको थोड़ा भी रिस्पेक्ट करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि चाहे कोई यहाँ पे आके गाली भी दे दे, उसके बातों का रिस्पॉन्स आपको नहीं करना है, आपको अपने डिसिप्लिन को कभी भी ब्रेक नहीं करना है। अगर आपने अपने डिसिप्लिन को ब्रेक कर दिया, इसका मतलब आप मतलब इस परिवार के सही सदस्य नहीं हो सकते। बाकी जिसको जो बोलना है, समझ
सर आप हमेशा उल्टी बात करते हैं, फिर भी मैं आपकी क्लास लेता हूँ। क्यों अनिल भाई, जब मैं आपको लगता है कि मैं उल्टी बात करता हूँ तो आप मेरी क्लास मत लिया कीजिए। आपको मतलब मैं क्या बोलूं, ठीक है, जब आपको लगता है कि मैं उल्टा बोलता हूँ, जब आपको उल्टा लगता है मेरा बात, तो आप मेरी क्लास मत लिया कीजिए। वैसे मेरे को तो नहीं याद है कि मैंने आपका कभी जिक्र भी किया होगा अपनी क्लास में, तो उल्टी बात की तो कोई संभावना ही व्यक्त नहीं होती, क्योंकि मैं किसी से बात ही नहीं करता हूं जब क्लास लेता हूं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें। उल्टा है तो सीधा कर लीजिए, क्या दिक्कत आ रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोल रहे हैं। बोला है कि स्टेम सेल अनुसंधान अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि स्टेम कोशिकाओं की बृहद क्षमताओं को देखते हुए स्टेम सेलों से एक संपूर्ण भ्रूण का निर्माण हो सकता है। अगर बारे में इसकी बात किया जाए तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। पहली बात तो मैं किसी से बात ही नहीं करता, मैं थोड़ा सा मतलब कुछ भी बोल लीजिए, घमंडी बोल लीजिए, चाहे खत्म इंसान बोल लीजिए, चाहे बेकार इंसान बोल लीजिए, मैं थोड़ा सा अपने आप में ही रहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे को कितना काम करना है, क्या करना है, मैं उतना करता हूँ और निकल जाता हूँ। बाकी मेरे को ना आपके लिए बेस्ट बनना है, ना आपके लिए बेस्ट बनना है, ठीक है। मेरा काम है पढ़ाना, मुझे जो आता है मैं आपको सिखाता हूँ, जितना आता है, चाहे थोड़ा हो चाहे बहुत हो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इतना मेरे पास खाली वक्त है ही नहीं कि मैं आपको याद करूंगा और आपका आपको टारगेट करूंगा। आप मेरे कोई दुश्मन है क्या, आपने मेरा कोई खेत जोत लिया है। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। क्या बोला, स्टेम सेल अनुसंधान अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है, स्टेम कोशिकाओं की बृहद क्षमताओं को देखते हुए। ये बिल्कुल सही बात है। किसके बारे में बात किया जा रहा है, स्टेम सेल अनुसंधान के बारे में। स्टेम सेलों से एक संपूर्ण भ्रूण का निर्माण हो सकता है, ये भी बात सही है। यानी कि अगर इस तरीके से देखा जाए तो स्टेटमेंट और रीजन दोनों क्या है, सही है, और रीजन जो है ये स्टेटमेंट का सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है जी। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। हाँ, और अनिल गौतम जी, आज के बाद एक चीज और नोट कर लीजिए, मेरे को ट्रिक व्रिक नहीं आता, अपने आप कॉपी में नोट कर लीजिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप मेरी क्लास लिया कीजिए, पता लग जाएगा मेरे नेचर के बारे में कि मैं किस तरीके का इंसान हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए मेरी बात को, मुझे कोई ट्रिक नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 285 की बात करते हैं। क्या बोल रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी लोगों को पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो प्रति वर्ष कितना, 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने 286। क्या बोल रहा है कि प्रदूषण मित्रवत क्रियाकलापों की रोकथाम तथा नियंत्रण करने के लिए प्रशासनिक इच्छा की आवश्यकता होती है। अगर आपके बारे में पूछा जाए, मान लीजिए कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, आप ही से क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या आप इसको जस्टिफाई कर पाएंगे, आप इससे सहमत है, आप लोग बताइए। बोला कि प्रदूषण मित्रवत क्रियाकलापों की रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए प्रशासनिक इच्छा की आवश्यकता होती है। ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। जन मित्रवत पर्यावरण के सृजन और रख रखाव अंतर विषयक प्रयासों की सफलता पर निर्भर करता है। यानी कि दोनों स्टेटमेंट भी सही है और रीजन जो है ये आपके एसर्शन को क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। बिल्कुल बुलडोजर बाबा, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ऑफलाइन क्लास लेते हैं, तो आपने मेरी ऑफलाइन क्लास में क्या देखा कि मैं आपको टारगेट करता हूँ। यही आपने सीखा मेरी क्लास से, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 287। विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ कब हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे ना बिना मतलब के फालतू मतलब क्या बोलते हैं अपना डिस्कशन के लिए बहुत लोग तैयार हो जाते हैं, पढ़ने लिखने वाले आजकल लोग रह ही नहीं गए हैं। बकवास की बात करिए, खूब मजा लेगा, सब खूब बात करेगा, खूब इधर उधर करेगा। अब बताइए, आप ही बताओ, आप एक नॉर्मल इंसान हो, अगर मेरे से किसी ने पूछा कि सर आप इसका कोई ट्रिक बताइए, अब मैं सीधे बोल रहा हूँ कि मेरे को उसका ट्रिक नहीं आता है, तो उसको समझ जाना चाहिए कि इस क्या बोलते हैं पागल मास्टर को इतना ही आता है, इससे ज्यादा नहीं आता। अब बार बार एक बात को लेकर, ठीक है जी, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, एक बात को लेकर इतना बिना मतलब का आप लोगों के पास समय, इतनी बेरोजगारी में सैल्यूट है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन,
विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ कब हुआ था, अगर आपसे किसी ने पूछा तो क्या बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बताएंगे। तो विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ की बात करें तो ये आपके 1991 में देखा जाता है, ठीक है जी। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 288, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है, अगर आपसे बात किया जाए। क्वेश्चन नंबर 288, बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है जी। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है। बिल्कुल बात सही बात है भाई साहब, इसको आप लोग क्या जस्टिफाई करते हैं, बोले उर्वरक तथा कीटनाशक भोजन श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। एकदम सही बात है, उर्वरक की बात करें ये तथा कीटनाशक जो है वो भोजन श्रृंखला में पहुंच जाते हैं, और ये किसके माध्यम से पहुंचते हैं तो आपके मृदा की बात करते हैं उसके माध्यम से। कहीं ना कहीं मेरे प्यारे साथियों, कहीं ना कहीं ये आपको, इससे आपको और हमको क्या होती है, हानि होती है। तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो आपका क्या होगा, एसर्शन और रीजन दोनों सही है, और आर जो है ये ए का सही व्याख्या है, इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 289 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 289 की बात करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करके बताइएगा क्या है। अभी हम लोग पहला क्वेश्चन जो स्टार्ट किए थे वो शायद यहीं से स्टार्ट था, तो आप लोग 289 का HW की बात करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करके बताइएगा। बाकी अभी अपनी कृषि क्लास है, आप सभी लोगों को पता है 4:30 की बात करते हैं, आप लोग जुड़ जाइए, उस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन हम लोगों का यही तक रहेगा, क्योंकि 4:30 से आपकी नेक्स्ट क्लास है। आप लोगों से एक छोटा सा फिर से अनुरोध, मेरी प्यारी हिना दीदी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज किसी के कमेंट का रिप्लाई मत कीजिए, उसका रिप्लाई करने के लिए मैं काफी हूँ, और मेरे को इन सब में कोई भी रुचि नहीं है और मुझे ये पसंद भी नहीं है कि आप किसी के मतलब बात का रिप्लाई करिए। जिसको जो बोलना है आएगा, बोलेगा, जाएगा, कोई यहाँ पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरा अपना स्टाइल है, मेरा अपना तरीका है, मेरे को जो आता है वही मैं बताऊंगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, फिर से एक बार नोट कर लेना, इस मास्टर के पास, इस पागल मास्टर के पास कोई भी ट्रिक नहीं है, सिंपल सी बात। इसके बाद दोबारा पूछने का प्रयास न करें तो बेहतर ट्रिक के मामले में, ठीक है जी। अभी आपकी 4:30 में क्लास है, आप लोग उस क्लास में आ सकते हैं, आपके लिए बहुत मजेदार क्लास होने वाली है। और आप सभी लोगों ने इवेंट अगर देखा होगा तो आप लोग जाके देख सकते हैं और उस इवेंट में आप लोग आ जाइए, ठीक है जी। चलेगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद साथियों।